अज असि थानू लेके चल रहे हैं लायलपुर स्वीट्स लुधियाना, जो कि अपने इलाके दे विच एक ब्रांड बन चुका है। लायलपुर स्वीट्स ना सिर्फ लुधियाना और पंजाब बल्कि पूरे भारत दे विच एक जाने माणिया नाम है मिठाइयां दी दुनिया विच। और इत्थे थानू हर तरह की मिठाई जिहड़ी तुसी सोच सको इत्थे मिलती है। और लड्डू खास तौर पर इत्थों की विशेषता, जो कि इस दिवाली इन्होंने इंट्रोड्यूस किए ने। ये लड्डू मोती चूर तो इलावा सोने दे, रेड वेलवेट दे, ते होर ना जाने किन्ने किस्म दे लड्डू ने। अगर तुसी भी डिफरेंट तरह दी मिठाइयां खाने का शौक रखते हो या खाण पीन दे बेहद शौकीन हो, तो लायलपुर स्वीट्स लुधियाना जाना कदी ना भुलना। सारी टीम ने इतों के ओनर नाल गलबात की, जिन्होंने सानू लायलपुर स्वीट्स बारे विस्तृत जानकारी दी, कि दस्या कि किस तरीके दे नाल मेहनत दे नाल रिसर्च करके वो इतों के प्रोडक्ट्स नू तैयार करते हैं और लोगों की पसंद नू खास ध्यान विच रखते ने और क्वालिटी बेहद उम्दा। सारी टीम ने इतों आए कस्टमर्स नाल भी गलबात की, जिन्होंने लायलपुर स्वीट्स की बेहद तारीफ की। इंतजार किस गल का? अगर तुसी भी स्वादली मिठाई का स्वाद लेना चाहते हो या कुछ नवा ट्राई करना चाहते हो, तो लायलपुर स्वीट्स लुधियाना जरूर पहुँचो। लायलपुर स्वीट्स एक ऐसा नाम जिन्होंने पिछले लंबे समय तो केवल पंजाब हिंदुस्तान च नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड अपने जो धुम्मा पाइया अपनी मिठाई के नाल अपनी स्वीट डिशा के नाल गल कर रहे हैं। वीर जी के वीर जी स्वागत है स्पैशल शो च। हाँ, चैनल का पहला तो सारों पहला मैं चैनल वाले का बहुत बहुत धन्यवाद कराँगा। वो मैं अपने देशवासियों पंजाब वासियों दिवाली गुरपुरब तो विश्वकर्मा की लख लख बधाई दिना। वीर जी जिस तरीके असं देख रहे हैं कि हर साल क्रिएटिविटी जी है इस शॉप के होंगी आ, कोई ना कोई चीज़ा नवी जिदा आप देख रहे हैं कि गिफ्ट आइटम जगह हम लायलपुर स्वीट्स के नए तरीके द उही ड्राई फ्रूट आ, लोग भी उही ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं, लेकिन जोड़ा इन्ह का वेचन का थोड़ा ढंग है जिस तरीके दे नाल आकर्षक जड़िया पैकिंग्स ने जिन्हें बंदे का दिल करता मलो मल्ली कि असी चीज़ों परचेज करिए, मिठाइया की गल कर लिए, टेस्टों की गल कर लिए, तो बहुत ही ज़्यादा जोड़े है अलग तरह के टेस्ट और जिस तरीके रेसिपियाँ इतने बन दी इदा जी। असी अजक जो माहौल है वो ये है भी कुछ गाहक जोड़ा है नवी चीज़ मंगता, नवी जनरेशन का वक्त है, नवी जनरेशन जी हैगी है वो नवी चीज़ों की डिमांड करती है। उन्होंने देखते हुए साड़ी भी जी नवी जनरेशन है साढ़े भी बच्चे जोड़े है वो काम के ना आ गए हैं, तो वह भी नवी नवी क्रिएटिविटी करके तो असी अब अपने बोकतों देने कि बोकतों नवी नवी चीज़ा नवे नवे टेस्ट जोड़े है वो असी डिवेलप करके अपने बोकतों खवाने जिद चो। असी इस बार देखो तुसी लड्डू मोतीचूर दे खादे है, केसर वाले खादे है, बूंदी दे खादे है, उस तो अलावा लड्डुओं कई वरायटी है, ड्राई फ्रूट कई लड्डू आ जाते हैं, लेकिन असी इस बार कुछ हट के एक तो असी सोने के लड्डू बनाए हैं जी, ठीक है जी। उस तो बाद एक असी रेड वेलवेट लड्डू, लोटस लड्डू, एक असी स्ट्रॉबेरी लड्डू जानी उन्होंने बनाया, वो जो असी समान पाया जो भी वो मटीरियल पाया उन्होंने असी यानी कि आज दी जो हैल्थ नू देखते हुए उन्होंने असी हैल्थ के मद्देनजर रखते हुए असी उन्होंने इदा दी चीज़ां जिहड़ियां असी मिक्स कीतियां इदा दे चीज़ उन्होंने बनाया जिन्ना कि हैल्थ जिहड़ी हैगी है स्ट्रोंग रहे, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रोंग रहे, इस करके असी हैल्थ वाले पासे ज़्यादा हैल्थ सफाई हाइजीनिक ते क्वालिटी असी साडा जिहड़ा मेन जिहड़ा हैगा ना वो यही हुंदा वी असी उस चीज़ के उपर ही ज़्यादा ध्यान दिंदे हां। लालपुरी जी छोटा जिहा बूटा लाया सीगा, जिस तरीके दे नाल जो तुहाडियां मिठाइयां तुसीं बेचने शुरू करदे आ, मान लै किसी ने 100 डब्बा बनाया, वह 100 डब्बे वाले जिहड़े बंदे आ वह भी तुहाडे गांह दी गांह 100 दी थां ते 1000 1000 दी थां ते 10000 की कहना चाहोगे कि ਇਹ ਚੇਨ ਆ? ਲਾਇਲਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲਾਇਲਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਲਪੁਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਵੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੀ 500 ਡੱਬਾ ਵੀ, ਦੇ ਦੀ 1000 ਡੱਬਾ, ਦੇ ਦੀ 200 ਡੱਬਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮਿਠਾਈ ਮੰਗਾਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਹਕ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਿਆ
एक बंदे ने सपोज करो एक किलो चीज़ लै गया उन्हें अगों अठ बंद ने खाधी अठ बंदे साढ़े चीज़ वधिया सी साढ़े अठ बंदे जिहड़े हैगे उह साढ़े कस्टमर बन गए वो अपने पुछदा भी कित्थों आया गया कहिंदा जी लैलपुर तो आया जी वो फिर कस्टमर जो जदों भी बंदे की कोई विआह शादी आती है जिहड़ा टेस्ट है ना जी सियाने कहिंदे ने जिहड़ा टेस्ट है वह जीभ दे उपर है थले तो जो भी हैगा तुहानू पता ही है नेरा हैगा जो मर्जी सुट्टी जाओ ठीक है टेस्ट जिहड़ा हैगा वो बंदे का टेस्ट जिहड़ा हैगा वो बंदे नू याद कराउंदा जी जो भी चीज़ हैगा बंदे नू याद कराउंदा अज मैं कितें दिल्ली जाना बॉम्बे जाना बेंगलोर जाना मैं तो उत्थे जाके मैं कोई चीज़ टेस्ट लगती है तो मैं उन्होंने याद जरूर करदा भी टेस्ट जिहड़ा हैगा बहुत अच्छा है बंदे नू जदों कोई चीज़ उस टाइप की कोई चीज़ मिलती है जी कोई वक्त आंदा ना बंदा कहिंदा यार मैं उत्थे खाधी सी बहुत वधिया टेस्ट है इस करके बंदा जिहड़ा हैगा ना वो टेस्ट वास्ते ही ग्राहक कोल आंदा साढ़े कोल आंदा है उन्होंने पता भी इन्हों का टेस्ट जिहड़ा हैगा बहुत अच्छा है ललपुर जी सब तो वड्डी गल है कि रेडीमेड च तुसीं विश्वास नहीं रखते कि जिवें दिवाली का पवित्र त्यौहार है सारी मिठाई है जिहड़ा इन हाउस हर मिठाई जिहड़ी आ वो आपके द्वारा तैयार की जाती है जिदा तुसीं लड्डुआं की गल की है कि लड्डुआं दे इन्ने तुहाडे वरायटीज़ ने और नवीं वरायटीज़ और बच्चे जिहड़े फॉरन की तर्ज के उपर जिहड़ा भी वर्ल्ड दे विच कोई चीज़ां बनदियां ने वर्ल्ड च मिठाइयां दी ट्रेंड हुंदा उही ट्रेंड तुसीं जिहड़ा हैगा लुधियाणे सब तो पहले लैके आंदे हो इद्दां जी साढ़े बच्चे ने एक साढ़े वड्डे भाई साहब का बेटा रोहित खरबंदा एक साढ़ा बेटा अंकुश खरबंदा एक साढ़ा बेटा प्रणव खरबंदा ये साढ़े बच्चे ने यह भी नाल साढ़े बिजनेस दे विच पूरे इंट्रस्ट लै रहे ने यही नवीं नवी आइटम जिहड़ियां हैगियां यही कढ़दे ने ते यही अगों आ के असी तां इन्हें साढ़े कोल तां आ के ये चीज़ पुछदे ने भई असी आ चीज़ बना रहे हां ते इहदी लाइफ वास्ते दसो असी किद्दां करना जिहड़ी लाइफ है जिहड़ी समान दी भी ये 10 दिन 20 दिन 15 दिन नहीं खराब होएगा असी उहदे उपर जाणी साडे मार्गदर्शन के उपर चलते हैं असी जो उन्हां नूं मार्गदर्शन देने वो हिसाब के उपर चल के असी बच्चे नवी नवी चीज़ा जिदा पैकिंग तुसी देखो अज की डेट के पैकिंग का काम जिहड़ा हैगा बहुत हैगा तो तुसी पैकिंग साढ़े देखो अज दिवाली दे जनी त्यौहार के उपर बच्चों ने पैकिंग कढ़िया वो असी अपना गणेश जी की लक्ष्मी जी की मूर्त यानी कि मूर्ति ला के नाल अगे मिठाई रखती है नाल अगे एक अपना दीवा रखता है कैंडल रखती है ता कि अगले नू एक ट्रे कोई बंदा खास बंदे नू अपने नू जां लड़की अपने सहुरे घर लैके जाए तो उन्होंने किसी चीज़ की जरूरत ना पवे उस ट्रे दे विच सारी चीज़ पाई हुई है अपना पूजा करे मिठाई खावे ते प्रभु दे गुण गावे। ललपुर जी तुसी हर साल जिहड़ा हैगा अपने आप नू ग्रो कर रहे हो परमात्मा करे तुहाडी इह जिहड़ी रेस हैगी आ ਉਹ ਇਸਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਔਰ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਬਾ ਪੜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਹੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਭ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ अगले कितनी देर से आप आ रहे हैं लायलपुर स्वीट्स पे और क्या कहना चाहेंगे? लायलपुर स्वीट शहर की एक शान है अगर स्वीट्स और बिस्कुट लिया जाए शहर की एक जानी मानी हस्तियों में से एक है जो कि जिसका के स्वाद का कोई जवाब नहीं है। ईश्वरी हम आज इस स्वीट्स खरीदने आए हैं और ये दुआ करते हैं कि हैप्पी दिवाली इनको हैप्पी दिवाली हो और हर तरह से खुशहाली हो। कितनी देर से अंकल आ रहे हैं? मैं इनकी दुकान पहले गोकुल रोड पे थी तब से इनका ग्राहक हूँ गोकुल रोड से ये करीब 20 साल पहले की बात है
उसके बाद ये दुकान इन्होंने बनाई और वहाँ भी इनकी मिठाइयाँ शानदार थी और यहाँ तो बहुत ही शानदार। इतने पुराने लोग और इतना सद्भावना रखने वाले इनके साथ कि इतने सालों से वो लोग आ रहे हैं और आज भी वही टेस्ट, हालांकि वो अगली पीढ़ी भी शुरू हो चुकी है लेकिन फिर भी जो है उनका जो टेस्ट है फर्स्ट वो लालपुरी स्वीट्स ही है। हम चलते हैं अंदर देखते हैं और आप देख सकते हो कि हर तरफ ही जो है पूरी तरह से रश लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर आप लालपुरी स्वीट्स के लिए? बहुत अच्छी स्वीट्स हैं। बहुत पुराना ग्राहक हूँ, कम से कम 10-12-15 साल हो गए हमें आते हुए। शादी के भी डब्बे यहाँ से बनवाए हैं, बहुत अच्छा है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ से करवाते हैं हम। और हर बार आपको क्रिएशन नहीं मिल रही है, कोई ना कोई चीज़ उसमें नई ऐड हो रही है? हाँ जी, हम अपने फैक्ट्री के लिए जो भी जहाँ से भी होता है यहाँ से लेके जाते हैं। मैडम आपका क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा है लालपुर स्वीट्स, कोई भी मिठाई कुछ भी फंक्शन होता है यहीं से लेते हैं, तो अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। समझे कि अगली पीढ़ी भी इधर ही जाएगी मतलब? हाँ जी बिल्कुल, जब हमारी पिछली पीढ़ी यहाँ से लेती है, हम यहाँ से लेते हैं, तो अगली भी यहीं से लेगी फिर। हम देख सकते हैं हर तरफ जो है पूरी तरह से लोग त्यौहार में आज मजे ले रहे हैं, त्यौहार के भी और मिठाई के भी। डबल तड़का है, त्यौहार है और साथ में मिठाई का। सर कैसा एक्सपीरियंस है आपका लालपुर स्वीट्स के साथ? सर बहुत अच्छा है, साढ़े सीरे च 8-10 है स्वीट्स दुकाना, बट असं कदे कि गए नहीं, इतने ही आई दा। बहुत अच्छा, हर एक चीज़ हर वरायटी अल्टीमेट ही है। मतलब मनीव कि उधर दिवाली का उधरों टेस्टी मिठाई का ये डबल तड़का लगता है? बिल्कुल डबल तड़का जी, बिल्कुल डबल तड़का। कितनी देर से आ रहे थे? हो गए 10-12 साल। जॉइन? हाँ जी, थैंक यू। सारे बहुत बहुत मुबारक दिवाली दी। बहुत वधिया वीर जी। हाँ जी मिठाई बहुत वधिया, असीं 10-15 साल तो इत्थे ही आ रहे हैं, इत्थे ही लैंदे हां जी। चक्कर लाई बहुत अच्छी और साफ सुथरी चीजा भरोसेमंद है। असं आए हाँ लोहारा पिंड, कैनाल व्यू था साडा। एक्सपीरियंस आपका लालपुरी स्वीट्स के साथ? लालपुर स्वीट ऑलवेज एक्सेलेंट। इन्हों का हर प्रिपरेशन मेरे दादी माँ, मतलब मेरे जेडे बेटी की दादी माँ है, ठीक है, उन्होंने फेवरेट शॉप अंबाला तो आते, एक साढ़े चंडीगढ़ तो मेरे पापी आए हुए हैं, सब की फेवरेट यही डेस्टिनेशन है। सो मेरे घर सब दिवाली सैलीब्रेट कर रहे हैं और दिस इज द ओनली प्लेस जिथों हर एक ने चीज़ ले रही है। आयुर्वेदिक प्रिंसीपल और तुसी हमेशा वैल्यूज, हमेशा इनग्रीडियंट्स के उपर बहुत ध्यान देंगे, हो की कहना चाहोगे कि जी स्वीट्स भी हैगी उन्होंने भी वो जी मकदार है चीज़ों की, खंड की गल कर लिए, घ्यो की गल कर लिए, जे आयुर्वेद वाला बंदा खाऊगा तो मतलब लोग समझन भी ठीक ही है कम। देखो फेस्टिवल वाले दिन आज मैं कुछ नहीं बारे नो कमेंट्स, पर ऑफकोर्स मैं अपने लिए थे बेसन की बर्फी ली है, ठीक है, सो कंपैरेटिवली दैट इज मोर हेल्दी, अदरवाइज फेस्टिवल है एक दिन लिए भूल जाओ सब एंड एंजॉय लाइफ द वे यू वॉन्ट। बहुत दिन होंगे हैं ख्याल रखने लिए, डाइट कंट्रोल करने लिए, आज इज अ वी हैव टू सेलिब्रेट टुडे। थैंक यू।